राजस्थान विधानसभा के सामने धरने पर बैठे सांसद किरोड़लाल मीणा और पुलिस अधिकारी भरतलाल मीणा से उनकी बहस हो गई। इसके बाद पुलिस काल अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान नाराज किरोड़लाल मीणा अमर जवान ज्योति पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इसके बाद किरोड़लाल मीणा को पुलिस की बस में बैठाया गया, जहाँ से मीणा शहीदों के परिजनों के साथ शहीद स्मारक पहुंचे और इसके बाद शहीद स्मारक पर अनिश्चितकाल धरना शुरू हो गया। लेकिन इस बीच गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने सांसद मीणा से फोन पर बातचीत कर मनाने की कोशिश की। दरअसल बता दें कि सांसद किरोड़लाल मीणा आज दोपहर करीब 1:30 बजे शहीदों के परिजनों के साथ विधानसभा के गेट नंबर 6 पर पहुंचे थे। अचानक मीणा देख पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और विधानसभा के गेट से मीणा को हटाने के लिए मनाने लगे। लेकिन इस दौरान जब मीणा नहीं माने तो पुलिस अधिकारी भरतलाल मीणा मौके पर पहुंच गए और उन्हें जबरदस्ती हटाने की कोशिश की गई। इस दौरान किरोड़लाल मीणा और पुलिस के बीच जमकर बहस हो गई। इसके बाद लगभग 2 बजे किरोड़लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ पैदल ही अमर जवान ज्योति के लिए रवाना हो गए, जहां पुलिस और मीणा के समर्थकों में एक बार फिर से बहस हो गई। इस दौरान मीणा कुछ समर्थकों के कपड़े फट गए और इससे नाराज होकर मीणा ने पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई और इसके बाद सांसद किरोड़लाल मीणा शहीदों के परिजनों के साथ अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए। जो पुलवामा में शहीद हुए थे उनकी वीरांगनाओं को जो आश्वासन सरकार ने दिया था राजस्थान सरकार ने, जैसे स्कूल कॉलेज राष्ट्रों का नामकरण, घर तक सड़क बनाना जी, चौराहों का नामकरण करना जी, और आश्रितों की नौकरी लगाना जी, ये 4 साल से चक्कर निकाल रही है जी, कुछ नहीं हुआ।